अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप थ्री मैथ 313 लेक्चर नंबर 13। आज का टॉपिक है साइकिल और ये पेज 88 जो है ना आपकी बुक उस पे अवेलेबल है। तो ले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये ले यहां से स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो आपने वो बड़ा मशहूर सुना होगा, आज आज बैजा साइकिल थे, और साइकिल आपको पता है फिर इस तरह से इसने घूमना है, जहां से चलता है पहिया या एक पॉइंट जो होता है पहिया का जहां से चलता है वहीं पहुंचता है। ये भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। चलें स्टार्ट करते हैं। वो कहता है लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। फिर वो कहता है कि वाई आपके पास जो है एक फाइनाइट सेट है एक्स वन से लेके एक्स आर तक, ठीक है, और ये कैपिटल एक्स का सबसेट है, यानी कि कैपिटल एक्स में कंटेन्ड है और कैपिटल एक्स के अंदर मौजूद है, यानी कि सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स कंसिस्टिंग ऑफ आर एलिमेंट्स। देख लें, आर ही है, वन टू आर आर ही है। अब वो कहता है जो परमुटेशन होती है एफ ऑन कैपिटल एक्स, देख लें परमुटेशन कैपिटल एक्स पे है, वाई पे नहीं है, मेन सेट के ऊपर है। इज सेट टू बी अ साइकिल ऑफ लेंथ आर, आर लेंथ का उसको साइकिल कह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक्स वन का इमेज एक्स टू हो, यानी कि एक्स वन एक्स टू पे मैप हो, एक्स टू का इमेज एक्स थ्री हो, एक्स टू एक्स थ्री पे मैप हो, एक्स थ्री का इमेज एक्स फोर हो, चलता जाए, और ये जो आपके पास इमेज बनेगा एक्स आर माइनस वन, इसका इमेज एक्स आर हो, ठीक है जी, यानी कि एक्स आर माइनस वन का इमेज एक्स आर हो, यानी कि एक्स आर माइनस वन का इमेज एक्स आर हो। तो एक्स आर का इमेज क्या होगा, एक्स आर का इमेज दोबारा एक्स वन होगा, वो ये लिखा हुआ है, एक्स आर का इमेज दोबारा एक्स वन होगा। तो ये बन गया जी एक तरह से साइकिल। अब क्वेश्चन सारा ये है कि ये तो सबसेट था, बाकी एलिमेंट्स का क्या बनेगा, परमुटेशन तो कैपिटल एक्स पे थी, लिखा हुआ है परमुटेशन एफ ऑन कैपिटल एक्स, बाकी एलिमेंट्स का क्या बनेगा जो कि कैपिटल एक्स में तो है लेकिन वाई में नहीं है। उनका ये होगा कि वो अपने आप ही मैप होंगे, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स होगा, वो सारे के सारे अपने आप ही मैप होंगे, और वो सारे के सारे कहाँ बिलोंग करेंगे, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कैपिटल एक्स में है लेकिन कैपिटल वाई में नहीं है, ये एक्स माइनस वाई नोटेशन ये चलती है सेट थ्योरी से। एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे देख लें वन फाइव पे मैप हो रहा है, फाइव जो है फिर नाइन पे मैप हो रहा है, नाइन इलेवन पे मैप हो रहा है, ओ ये मैंने क्या बोल दिया, नाइन इलेवन बैरल, ये वो नाइन इलेवन नहीं है, नाइन इलेवन पे मैप हो रहा है, इलेवन फिफ्टीन पे मैप हो रहा है, फिफ्टीन फिर वन पे मैप हो रहा है, ये देख लें वापस वन पे चले गए। बाकी सारे एलिमेंट्स फिक्स हैं, टू टू पे जा रहा है, थ्री थ्री पे मैप हो रहा है, फोर फोर पे मैप हो रहा है, सिक्स सिक्स पे मैप हो रहा है, सेवन सेवन पे मैप हो रहा है, एट एट पे मैप हो रहा है, टेन टेन पे मैप हो रहा है, ट्वेल्व ट्वेल्व पे मैप हो रहा है, थर्टीन थर्टीन पे मैप हो रहा है, फोर्टीन फोर्टीन पे मैप हो रहा है, जो कि यहाँ बताया गया था। और ये साइकिल ऑफ लेंथ फाइव है, रीजन उसकी ये है कि हमने कहा था, ये देख लें इसमें आर एलिमेंट्स थे ना, और आपने कहा था जी साइकिल ऑफ लेंथ आर, क्योंकि आर एलिमेंट्स मूव हुए हैं, मूव होने का मतलब है कि अपने आप पे नहीं मैप हुए, किसी और पे मैप हुए। तो ये पांच एलिमेंट्स हैं जो अपने आप पे नहीं मैप हुए किसी और पे, अपने आप से क्या मुराद है, यानी कि वन वन पे मैप नहीं हुआ, फाइव पे हुआ है, फाइव फाइव पे मैप नहीं हुआ, नाइन पे हुआ है, नाइन नाइन पे मैप नहीं हुआ, इलेवन पे हुआ है, इलेवन इलेवन पे मैप नहीं हुआ, फिफ्टीन पे हुआ है, और फिफ्टीन फिफ्टीन पे मैप नहीं हुआ, वन पे हुआ है, यहाँ पे देख लें वन पे हुआ है, और ये वन फिर फाइव। तो यहाँ पे देख लें कितने एलिमेंट्स मूव हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच एलिमेंट्स मूव हो गए। तो ये जो परमुटेशन है जो इतनी लंबी चौड़ी थी, ये साइकिल ऑफ लेंथ फाइव है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, फिर सुन लें इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ ये पता होना चाहिए कि ये एस फिफ्टीन है, ये फिफ्टीन एलिमेंट्स की परमुटेशन है, ये वाले जो पांच एलिमेंट्स हैं मूव हो रहे हैं, यानी कि वन फाइव पे मैप हो रहा है, फाइव नाइन पे, नाइन इलेवन पे, इलेवन फिफ्टीन पे, फिफ्टीन वन पे, यहाँ से भी देख लें वन फाइव पे, फाइव नाइन पे, नाइन इलेवन पे, इलेवन फिफ्टीन पे, फिफ्टीन वन पे, बाकी सारे एलिमेंट्स फिक्स हैं, वो अपने आप ही मैप होंगे। तो यहाँ पे देख लें इसको लिखना, इसको लिखना एक ही बात है। तो ये वाली जो परमुटेशन है ये साइकिल ऑफ लेंथ फाइव है, ठीक है, क्योंकि इसमें पांच एलिमेंट्स तो मूव हो गए, बाकी कहता है इट लीव्स ऑल अदर एलिमेंट्स फिक्स, वो मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पे फिक्स्ड लिखा हुआ है, ठीक है, लीव्स ऑल अदर एलिमेंट्स फिक्स्ड, यानी कि टू टू पे, थ्री थ्री पे, फोर फोर पे, एक्सेट्रा, इस तरह से है। तो उम्मीद है कि पता लग गया होगा कि व्हाट इज अ साइकिल। अब आगे चलते हैं। अब ये वाली जो परमुटेशन है इसको कहता है जी लेंथ फोर का साइकिल है, लेंथ फोर का, देखिए वन थ्री पे मैप हो रहा है, वन थ्री पे मैप हो रहा है, थ्री फाइव पे मैप हो रहा है, थ्री फाइव पे मैप हो रहा है, फाइव फोर पे मैप हो रहा है, फाइव फोर पे मैप हो रहा है, फोर सा फिर वापस वन पे,
फोर फिर वन पे, तो दिस इज अ साइकिल ऑफ लेंथ फोर, क्योंकि इसके अलावा जो बचते हैं पांच तो एलिमेंट्स हैं, एक बचता है टू, टू टू पे मैप हो रहा है वो तो फिक्स है। अब ये देख लें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फोर को अगर पहले ले आए, 4135, 4135 ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाइव को पहले ले आए तो ये बन जाएगा 5413, फाइव को पहले ले आए तो 5413 ऐसे भी लिखा जा सकता है, थ्री को पहले ले आए तो 3541 ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे जी कि आगे क्यों रोक दिया, वन को क्यों नहीं वापस लाए, और जी फिर तो यही आ जाएगा ना फायदा, क्यों तो कलफ करते हैं, तो कलफ नहीं करना चाहिए था। आह हाँ, ये समझ लेते हैं कि ये तो समझ लिया था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, 41 पे मैप हो रहा है, ये देख लें 13 पे मैप हो रहा है, यहां से देख लें 13 पे मैप हो रहा है, इसी तरह से फिर 35 पे मैप हो रहा है, ये देख लें 35 पे मैप हो रहा है, 5 वापस 4 पे, लो जी ठीक हो गया। अब यहां पे देख लें 54 पे मैप हो रहा है, ये तो अभी देखा था, 41 पे मैप हो रहा है, ये भी देखा था, 13 पे मैप हो रहा है, ये भी देखा था, और 3 वापस 5 पे, ये इसको भी देख लें 35 पे जा रहा है, ये देख लें 54 पे जा रहा है, ये लें जी 54 पे, 41 पे जा रहा है, 41 पे जा रहा है, 1 वापस 3 पे, 1 वापस 3 पे, तो एक ही साइकिल है, ये चार तरीके निकले हैं इसको लिखने के। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, एक चीज तो यहां पे आ रही है, कहता है एवरी परमुटेशन सिग्मा ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकल्स। डिसजॉइंट होते हैं जिनमें एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते, ठीक है जी। परमुटेशन का पता होना चाहिए, साइकल्स का पता होना चाहिए, अगर दोनों चीजें पता है तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट समझना कोई मुश्किल नहीं है। और ये चीज मैं बता दूं कि इस कोर्स में थ्योरम्स बहुत ज्यादा है, कुछ थ्योरम्स हम एग्जाम्पल्स के जरिए करेंगे, मसला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जो एग्जाम्पल के जरिए पॉसिबल नहीं होंगे उनका जनरल प्रूफ भी करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करते हैं। ये देखें जी, ये एक परमुटेशन है और इसको लिखा हुआ है एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, पहले देखें बनता भी है, 1 6 पे जा रहा है, 6 फिर 1 पे जा रहा है, तो ये तो आपके पास आ गया जी साइकिल लेंथ 2 का। अब ऐसा एलिमेंट इनमें से पिक करें फ्रॉम 1 to 6 जो यहाँ पे नहीं हो, 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर लें, 2 5 पे जा रहा है, ले जी 2 5 पे गया, 5 फिर 3 पे जा रहा है, लो जी 5 3 पे चला गया, उसके बाद 3 फिर 2 पे गया, लो जी बन गया, इसको छोड़ दें ये फिक्स है। तो अब ये देख लें, ये जो परमुटेशन है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल्स, लिखा हुआ है डिसजॉइंट क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, 1 6 यहां पर है तो यहां पे नजर नहीं आ रहे, 2 5 3 यहां पर है तो यहां पे नजर नहीं आ रहे, नो एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 इज मूव्ड बाय बोथ साइकिल्स, पहला साइकिल 1 और 6 को मूव कर रहा है, दूसरा साइकिल 2 5 3 को मूव कर रहा है, और दोनों साइकिल्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा क्या वाकई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, हाँ ये समझना जरूरी है, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज आ जाती है, लिख तो दिया पकड़ के हमने, इस तरह से आना तो चाहिए, इसको चेक करते हैं क्योंकि रट्टा नहीं लगाना, ये लो जी तीर गया सीधा, ढस ढस, लो जी अब ध्यान करें, ये 1 6 है, देख लें ये S6 है, यानी कि 6 एलिमेंट्स की परमुटेशन है, आप लिखें 1 2 3 4 5 6, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले परमुटेशन की फॉर्म दें क्योंकि परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन हमें आती है। तो अब यहां आप देख लें 1 6 पे मैप हो रहा है, 1 6 पे मैप हो रहा है, 6 वापस 1 पे जा रहा है, 6 वापस 1 पे जा रहा है, लेकिन बाकी फिक्स है 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5 पे, इसको जब लिखना है आपने एज अ परमुटेशन, तो यहां पे देख लें कई तरीके लिखने के, बेहतर है देखें यहां पे लिखा हुआ है 2 goes to 5, पहले तो ये करें ना 1 2 3 4 5 6, अब लिखा हुआ है 2 goes to 5, तो जी 2 goes to 5, 5 goes to 3, 5 goes to 3, 3 वापस 2 पे, 3 वापस 2 पे, अब जो बच गए वो फिक्स है, 1 यहां पे नहीं था, नहीं था ना, तो 1 1 पे जा रहा है, 2 यहां पे मौजूद था जो कि 5 पे जा रहा है, वो तो यहां पर आपको नजर भी आ रहा है, उसके अलावा यहां पे देख लें इधर आपको नहीं नजर आएगा 4 4 फिक्स है, उसके बाद 5 आ रहा है, ठीक है जी 5 तो 3 पे जा रहा है, वो तो यहां पे नजर भी आ रहा है, उसके बाद यहां पे नहीं नजर आ रहा क्या 6, वो ये, और वैसे भी देख लें 1 और 6 मूव कर गए थे यहां पे, ये देख लें 1 और 6 यहां पे मूव कर रहे थे, और यहां पे डेफिनेटली क्योंकि डिस्टेंट है यहां पे मूव नहीं करेंगे, तो 1 ने 1 पे जाना है, 6 ने 6 पे जाना है, ठीक है जी। और रह गया 4, वो तो पहले ही फिक्स था, वो तो बेचारा पहले ही फिक्स था, तो वो तो इधर भी फिक्स थे, इधर भी फिक्स, उसको बंद करके रखा तो कथन जाना किसी से नहीं मिलना, ठीक है जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्या ये बनती है, ये वाली प्रमोटेशन बनती है, हाँ है कि तरीका भी समझाओ ना, अच्छा समझाता हूँ समझाता हूँ, वो ये है कि यहां से देख लें पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी ऊपर वाले हो गए, पहले आप लिखी गई है तो देख ही लें 6 5 2 4 3 1,
सिक्स फाइव टू फोर थ्री वन वही है। करना कैसे, वन गोज टू वन, वन गोज टू सिक्स, यानी कि वन गोज टू सिक्स, लो जी ठक वन सिक्स पे गया। टू गोज टू फाइव, फाइव गोज टू फाइव, यानी कि टू गोज टू फाइव, लो जी टू फाइव पे गया। थ्री गोज टू टू, टू गोज टू टू, लो जी टू पे। फोर गोज टू फोर, फोर गोज टू फोर, चौका, और ये फिक्स था। फाइव गोज टू थ्री, थ्री गोज टू थ्री, लो जी थ्री। फिर सिक्स गोज टू सिक्स, सिक्स गोज टू वन, ये अब देख लें ये वाली यही है, ठीक हो गया जी। अब वो कहता प्रूव करें कि ये साइकिल नहीं है। देखें वो वाली परमुटेशन साइकिल नहीं होती, ध्यान से सुन लें, वो वाली परमुटेशन साइकिल नहीं होती जो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स होती है, जो जस्ट वन साइकिल नहीं होती, जो जस्ट वन साइकिल के तौर पर नहीं होती। पिछली स्लाइड में देखा था अच्छा वाला आपने कि एक परमुटेशन थी जो कि साइकिल ही थी, मतलब कि सीधा सीधा वो साइकिल था, उससे पहले भी देखा था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नॉट अ साइकिल। और फर्दर वो बी पार्ट कह रहा है कि राइट डाउन सिग्मा एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स। जवाब तो ये भी आ गया भाई, अगर प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स है तो वो डेफिनेटली फिर साइकिल नहीं है। और फिर कहता है चेक, यानी कि डिसजॉइंट साइकिल्स को मल्टीप्लाई करके देखें कि ये बनती है कि नहीं, जो अभी आपने पिछली स्लाइड पे भी किया था। चलिए अब देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। वन गोज टू थ्री, थ्री गोज टू सिक्स, सिक्स गोज टू वन, यानी कि वन थ्री और उसके बाद सिक्स, ये देखें वन थ्री सिक्स, कैसे वन गोज टू थ्री, ये देखें थ्री गोज टू सिक्स, ये देखें सिक्स बैक टू वन, लो जी सिक्स बैक टू वन। अब वो एलिमेंट यहाँ पे तलाश करें जो इस साइकिल में मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पे देख लें एट एलिमेंट्स हैं, इनमें से वो वाला जो यहाँ पे नहीं है, वन तो है छोड़ दें, टू नहीं है, टू से स्टार्ट हो जाए। अब टू गोज टू एट, लो जी टू गोज टू एट, ये तो खत्म हो गया, एट टू पे जा रहा है इसलिए खत्म हो गया, चलो ये भी हो गया। अब इन दो साइकिल्स को गौर से देखें, अब इनमें वो एलिमेंट पकड़ लें जो इन दोनों में नहीं है, लेकिन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट में है। लो जी वन तो मौजूद है, हाय हाय टू है, हाय हाय थ्री है, हाय फोर नहीं है भाई, फोर नहीं है, फटो 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 ऐप फटे आ गया। लो जी फोर सेवन पे जा रहा है, लो जी फोर सेवन पे जा रहा है, उसके बाद जी सेवन फाइव पे जा रहा है, सेवन फाइव पे जा रहा है, फाइव फिर फोर पे गया। लो जी सारे कवर हो गए, मुबारक हो जी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लो जी एट एलिमेंट्स थे जो कि आठों के आठों हमने कवर कर लिए। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ डिजॉइंट साइकिल्स। अब ये ए पार्ट देखें ना, कार इज नॉट अ साइकिल, यही इसका आंसर है, इट इज नॉट अ साइकिल बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अगर एक ही साइकिल आता फिर हम उसको साइकिल कह सकते थे। और ये मैं बता दूं, ध्यान से सुन लें, जो परमुटेशन जस्ट एक साइकिल के बराबर हो उसको साइक्लिक परमुटेशन भी कहते हैं, जो परमुटेशन जस्ट एक साइकिल के बराबर हो वो उसको साइक्लिक परमुटेशन भी कहते हैं। अब चलें जी इनको मल्टीप्लाई करके देख लें। अब इसमें ये ना हो जाए जी कि किसको पहले मल्टीप्लाई करना है। देखें ये मैंने वही कहा ना, ये कोर्स सब्सट्रैक्ट है, लेकिन साथ साथ समझें कॉम्प्लिकेशंस जो इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं, तो नहीं होगा। डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट करते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट करते हैं, ठीक है जी, लेकिन यहाँ कम्यूट का चक्कर नहीं है, यहाँ पे तो आपने मल्टीप्लाई करना है। बेशक आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मत भूलें कि परमुटेशन आपके पास मैपिंग है, और मत भूलें कि मैपिंग इन जनरल एसोसिएटिव होती है, ठीक है जी, ये तो मैंने करवाया हुआ है आपको। तो अब ये वाली जो चीज़ है इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से पहले परमुटेशन की फॉर्म में लिखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये जो आपके पास साइकिल है ये भी एक ऐसी ही परमुटेशन बनेगी जिसमें कि एट एलिमेंट्स हैं, ये भी ऐसी ही परमुटेशन बनेगी जिसमें कि एट एलिमेंट्स हैं। कैसे लिखना है, टू एट पे जा रहा है और एट वापस टू पे आ रहा है, बाकी सारे फिक्स होंगे, ये ही साइकिल की डेफिनेशन है। अगर मसला है तो पीछे से डेफिनेशन दोबारा देख लें, बाकी सारे फिक्स, वन होए वन तो जाई, थ्री होए थ्री तो जाई, फोर होए फोर तो जाई, फाइव होए फाइव तो जाई, सिक्स होए सिक्स तो जाई, सेवन होए सेवन तो जाई, ज्यादा ही डांट दिया। चलो यहाँ आराम से बात करते हैं, वन आपने ना वन पे जाना है, टू आपने टू पे जाना है, थ्री आपने थ्री पे जाना है, सिक्स आपने सिक्स पे जाना है, एट आपने एट पे जाना है, ठीक है जी, क्योंकि फोर साहब सेवन पे चले गए हैं, फाइव साहब जो है वापस फोर पे गए हुए हैं, ये देखें वो सेवन कहाँ गया था, सेवन फाइव पे गया था ना, अच्छा ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ऊपर एट एलिमेंट्स लिखें। अब ध्यान से वन गोज टू वन, वन गोज टू वन, ये तो फिक्स था, टू गोज टू टू, नाउ टू गोज टू एट, ये एट हो गया, थ्री गोज टू थ्री, थ्री गोज टू थ्री, ये भी फिक्स था, फोर गोज टू सेवन, सेवन गोज टू सेवन, ये सेवन आ गया, फाइव गोज टू फोर, फोर गोज टू फोर, ये फोर आ गया, सिक्स गोज टू सिक्स, सिक्स गोज टू सिक्स, ये तो फिक्स था, सेवन गोज टू फाइव और फाइव गोज टू फाइव, ये फाइव आ गया, एट गोज टू एट, एट गोज टू टू, ये आ गया।
अब ये जो दो साइकिल्स थे इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इस परमुटेशन को, वैसे मैंने परमुटेशन कह दिया, या ये कहना चाहिए था इस साइकिल को परमुटेशन की फॉर्म लेके, है ये परमुटेशन ही है, ये परमुटेशन ही है। क्यों? ये देखें, ये वाली है ना, देखें ये वाली परमुटेशन साइकिल है जो कि इसके बराबर है। ये है परमुटेशन या साइक्लिक परमुटेशन। कहना मैंने यही था कि ये जो आपके पास साइकिल है इसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखें। वन को थ्री पे मैप करें जो कि ये हो रहा है, थ्री को सिक्स पे मैप करें जो कि ये हो रहा है, सिक्स को वापस वन पे मैप कर दें, सिक्स को वन पे मैप कर दें जो कि ये हो रहा है। बाकी सारे फिक्स हैं, टू टू पे, फोर फोर पे, फाइव फाइव पे, सेवन सेवन पे, एट एट पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये वाली आई थी, वन एट थ्री, ये लिखी वन एट थ्री, सेवन फोर सिक्स फाइव टू, सेवन फोर सिक्स फाइव टू। अब इन दोनों को राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करके देख लें क्या आपके पास जो है ये वाली आती कि नहीं। हमने ये कहा था कि ये वाली जो है दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया था ये आया था। अब इसके साथ इसको करना है, ठीक है जी, कर लें जी। अब यहां पे एक चीज तो ये है कि जी वन वन पे जा रहा है, ठीक है जी, लेकिन फिर वन थ्री पे जा रहा है तो वन ओवरऑल थ्री पे गया, एट द एंड थ्री पे गया। टू एट पे जा रहा है, एट एट पे जा रहा है, ये हो गया। थ्री थ्री पे जा रहा है, थ्री सिक्स पे जा रहा है, ठीक हो गया। फोर सेवन पे जा रहा है, सेवन सेवन पे जा रहा है, ये हो गया जी। फाइव फोर पे जा रहा है, फोर फोर पे जा रहा है, ये हो गया जी। सिक्स सिक्स पे जा रहा है, सिक्स वन पे जा रहा है, ये हो गया जी। अगर ये ना पता लगे मैं स्पीड पे इसलिए कि ये मैंने काफी पहले करवा दिया था कि परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। आपने सेवन का इमेज देखना है कि इस परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन लिहाज से सेवन का इमेज क्या है। बाजार तो फाइव लगता है लेकिन नहीं, फर्दर देखें फाइव किस पे जा रहा है, बाई चांस फाइव फाइव पे जा रहा है, तो ये फाइव। ए टू पे जा रहा है, टू टू पे जा रहा है, ये। अब देखें क्या ये सिग्मा ही है, थ्री एट सिक्स, लो जी। सेवन फोर वन, लो जी। 52, लो जी, ठीक हो गया जी। ये हो गया, ठीक हो गया जी। तो ये चीज आपके पास बन गई, यानी कि आपके पास क्या हुआ, आपके पास ये हुआ कि आपने चेक करके बता दिया कि ये वाली जो परमुटेशन थी या ये वाली जो परमुटेशन थी, यस दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकल्स, ठीक है जी, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकल्स। अच्छा, अब ये क्योंकि टॉपिक जरा एब्स्ट्रैक्ट होने शुरू हो गई है, आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होंगे। इस लेक्चर को मैं दो पार्ट्स में कर रहा हूँ और पहला पार्ट मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगला पार्ट मैं इंशाल्लाह शुरू करूंगा फोर्थ स्लाइड से। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी इसी लेक्चर के सेकेंड पार्ट में, ठीक है जी, 13th लेक्चर के सेकेंड पार्ट में मुलाकात होगी, मैं फोर्थ स्लाइड से स्टार्ट करूंगा। अल्लाह हाफिज।